हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जैरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सेट का एग्जाम पेपर है और ये सेट लेवल का, अभी नेट का पेपर आने वाला है, तो ये पेपर आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि नेट का हो गया या सेट हो गया, ये सभी एक लेवल के एग्जाम पेपर हम माने जाते हैं, हायर लेवल के एग्जाम के पेपर हैं। अगर ये आपको कहीं से भी कोई पेपर मिलता है तो उसको आप सॉल्व करिए। इससे आपको ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं यहाँ से ये आइडिया मिलेगा, और कई बार कुछ क्वेश्चंस वही रिपीट हो जाते हैं बट उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, तो ये आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये वेस्ट बंगाल का सेट का पेपर है, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट रेड कलर ऑफ मीट। जो मीट में ब्राइट रेड कलर होता है वो कौन सा पिगमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शंस क्या है, मेट मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मायोग्लोबिन। और मेट मायोग्लोबिन क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये ब्राउन कलर देता है। मेट मायोग्लोबिन जो है ये ब्राउन कलर देता है। हीमोग्लोबिन ये हमें पता है, ये ब्लड ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि प्रोटीन को बाउंड करता है। मायोग्लोबिन ये ब्राइट रेड कलर देता है मीट में। और ये जो ऑक्सी मायोग्लोबिन है ये मसल्स में ऑक्सीजन को रिजर्व करके रखता है, जो मसल्स में ऑक्सीजन जा रही है उसको बाउंड करके रखता है, तो ये होता है ऑक्सीमायोग्लोबिन। बट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी ये वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम दिया है वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एफ वैल्यू इन टी डी टी कर्व इज रिफर्ड टाइम इन मिनट रिक्वायर टू किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एफ का यहाँ पे मीनिंग है फॉरेनहाइट, मीन्स टेम्परेचर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए कितना फॉरेनहाइट टेम्परेचर चाहिए, तो वो है 250 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट परमिटेड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट की राइपनिंग के लिए क्या जो है वो परमिटेड नहीं है? तो एसिटोनाइट्राइल जो है ये फूड की राइपनिंग के लिए परमिटेड नहीं है। बाकी स्मोक है, एसिटिलीन गैस है, कैल्शियम कार्बाइड है, ये आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट हैं जिनको यूज करके फूड जो फ्रूट है उसको पकाया जाता है। तो एसिटोनाइट्राइल आर्टिफिशियल राइपनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोनोसेक्राइड हीटेड इन सोल्यूशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरन डेरिवेटिव्स। मोनोसेक्राइड को कौन से सोल्यूशन के साथ हीट करते हैं जिससे जो उसका आगे जो कंपाउंड बनता है वो फ्यूरन डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो इसको जब मोनोसेक्राइड्स को जब स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ हीट करेंगे तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो फ्यूरन डेरिवेटिव्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्जराइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। तो मार्जरीन कैसा एग्जाम, कौन सा इमल्शन है? तो ये है वाटर इन ऑयल। तो इमल्शन दो टाइप के होते हैं, वाटर इन ऑयल ऑयल और दूसरा होता है ऑयल इन वाटर। तो मार्जरीन तो एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल का, तो ऑयल इन वाटर का एक एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि ऑयल इन वाटर इमल्शन कौन सा है, एक इसका एक एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हैविंग किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर रिसेंटली शुड रेगुलेट द इनटेक ऑफ। किडनी में हम क्या रेगुलेट करते हैं, किडनी में हम प्रोटीन का रेगुलेशन करते हैं, तो ऑप्शन 6 का जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट ग्रीन कलर ऑफ लीफी वेजिटेबल। ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल जो है वो ऑयल में सोल्यूबल होता है, इसीलिए जब कुकिंग करते हैं तो ये क्लोरोफिल ऑयल के साथ सोल्यूबल हो जाता है और वहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। तो ऑयल सोल्यूबल क्लोरोफिल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राइट ग्रीन कलर ऑफ लीफी वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्सक्लूड्स द फैट्स। हमने पढ़े हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टोटल 17 है, इनमें से कौन सा गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
नहीं है। तो सस्टेनेबल डिजिटल लाइफ, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। जीरो हंगर और क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये तीनों हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आते हैं। बट सस्टेनेबल डिजिटल लाइफ, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्टिफिकेशन एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया एश्योरिंग दैट दे कन्फर्म टू अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इज एगमार्क। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के द्वारा जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो होता है एगमार्क। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फैमिली बजट विल नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर जब हम फैमिली बजट बनाते हैं तो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट, फैमिली बजट का बेसिक कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर एंड गैजेट केयर। जब भी हम फैमिली बजट बनाते हैं तो उसमें गैजेट केयर जो है ये बेसिक कंपोनेंट नहीं है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, चाइल्ड केयर है, एजुकेशन है, ये सब हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं फैमिली बजट के। बट ये गैजेट केयर, जो गैजेट केयर है ये हमारा फैमिली कंपोनेंट, ये फैमिली बजट का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलीफेजिया रिफर्स टू, पॉलीफेजिया, तो पॉलीफेजिया क्या है? पॉलीफेजिया इज एलिवेट हंगर। पॉलीफेजिया मीन्स बार बार भूख लगना, इसको हम कहते हैं एलिवेट हंगर। पॉलीफेजिया मीन्स एलिवेट हंगर, बार बार भूख लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड कलर ऑफ स्ट्रॉबेरीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो स्ट्रॉबेरीज हैं इनका रेड कलर क्यों होता है? ये एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है, इस पिगमेंट की वजह से स्ट्रॉबेरीज में रेड कलर होता है। और जेंथोफिल्स, ये कॉर्न में होता है, कॉर्न में जेंथोफिल होता है। कैरोटीन, ये कैरेट में होता है। फ्लेवोनॉइड से लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ब्रेड स्टेलिंग इज ड्यू टू, ब्रेड स्टेलिंग मीन्स ब्रेड खराब क्यों होती है? तो ये होती है ड्यू टू स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। और स्टार्च किससे बना होता है? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एक तो एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। और ये हम स्टार्च जो है, स्टार्च मेन सोर्स या मेन फूड होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तब ये ब्रेड जो है ये स्टेल होती है, खराब हो जाती है। इसलिए स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन ये रीजन है ब्रेड के स्टेलिंग के लिए। स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट सुगर विच इज नॉट फाउंड इन स्टार्च। कौन सी फ्रूट सुगर है जो कि स्टार्च में नहीं पाई जाती है? वो है डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज ये फ्रूट सुगर है जो कि स्टार्च में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड कंटेन्स अ मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ। जो फूड है इनमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है? नॉर्मली हमने पढ़ा है 10 to 50%। जो इंटरमीडिएट मॉइस्चर परसेंटेज होता है वो 10 to 50% होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, 10 to 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीरियल्स आर डेफिसिट इन। जो सीरियल है, सीरियल में किस में डेफिसिट होते हैं? सीरियल्स में कौन सा, ये क्या है, एमिनो एसिड नहीं होता है। तो सीरियल में लाइसिन नहीं होता है, सीरियल में होता है मिथियोनिन, पल्सेस में होता है लाइसिन। इसको जो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं इसको करके आप ऐसे याद कर सकते हैं, CMPL। अगर आप CM याद कर लें, जैसे हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, C से सीरियल, M से मिथियोनिन। जब आपको एक याद हो गया CM, दूसरा पल्सेस में लाइसिन होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सीरियल्स आर डेफिसिट इन। सीरियल डेफिसिट होती है किसमें? सीरियल लाइसिन में डेफिसिट होती है, मिथियोनिन में पाया जाता है। पल्सेस में लाइसिन पाया जाता है, मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। तो आप यहां से भी याद कर सकते हैं, CMPL। CM सीरियल्स में मिथियोनिन होता है, पल्सेस में लाइसिन होता है। तो ऐसे आप इसको नेमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड फॉर पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब हम कास्टिक सोडा को यूज करते हैं एज अ पीलिंग
तो उसको हम कहते हैं ले पीलिंग। फ्लेम पीलिंग मीन्स जब भी हम जैसे कोई भी हमारे पास पीलिंग वाला पोटैटो है उसको फ्लेम आग पे पहले भूनते हैं तो उसकी जो उसकी जो लेयर है वो निकल जाती है। हॉट वाटर पीलिंग मीन्स हम जब गर्म पानी में से टोमेटो है उसको हमने गर्म पानी में डाल दिया तो वो उसकी स्किन निकल जाती है, पीलिंग हो जाती है। तो सेम वही जब हम कास्टिक सोडा यूज करते हैं फॉर द पीलिंग देन इट इज ले पीलिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ब्राइन इज मेजर्ड यूजिंग ब्राइन को, जो ब्राइन है इसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हम मेजर करते हैं हाइड्रोमीटर में और इसकी जो रीडिंग आती है वो आती है सेलेनोमीटर। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको सही मिल जाएंगे, तो हाइड्रोमीटर या सेलेनोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर ये हम शुगर की शुगर कंसेंट्रेशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लैक्टोमीटर ये मिल्क में यूज करते हैं लैक्टोज का लेवल मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज, जो पंचायती राज सिस्टम है इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की तो इसका फंडामेंटल जो सिंपल सा सिस्टम है वो क्या है, पीपल पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट इन लोकल लेवल। लोकल लेवल पे पीपल का पार्टिसिपेशन होना और वो अपने एरिया को डेवलप करें, इसको हम बोलते हैं पंचायती राज का फंडामेंटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू फॉर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के लिए कौन सा जो सेंटेंस है वो ट्रू है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, इंक्रीज करता है द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो सिग्नल है उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, ये काम होता है एम्पलीफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल मीडिया का फॉर्म नहीं है। तो जो ई मेल मार्केटिंग है ये ट्रेडिशनल मीडिया का फॉर्म नहीं है, बाकी रेडियो एडवर्टाइजिंग है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग है, डोर टू डोर सेल्स है, ये सब ट्रेडिशनल मीडिया है, बट ई मेल मार्केटिंग ये ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा मास कम्युनिकेशन की एक लिमिटेशन है। ऑप्शंस क्या है, मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैसेज, कॉस्टली फॉर रिसीवर, वीक फीडबैक सिस्टम, सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द प्रोसीजर। तो हमने मास कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा है कि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज पहुंचा सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा एरिया में अगर हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हम मास कम्युनिकेशन यूज करते हैं बस। बट इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, वीक फीडबैक सिस्टम। मास कम्युनिकेशन में जो फीडबैक मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो वीक होता है, इसलिए वीक फीडबैक सिस्टम ये मास कम्युनिकेशन की एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। फॉर अ स्मॉल रूम टू फील लार्ज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड नॉट हेल्प, जो छोटे रूम है अगर उनको हमें बड़ा दिखाना है तो इनमें से कौन सी टेक्निक हेल्प नहीं करेगी। यूज लार्ज फर्नीचर, यूज कूल लाइट ह्यू, यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव सर्फेस, यूज एज ए नेचुरल कलर स्कीम। तो स्मॉल रूम्स में अगर हम लार्ज फर्नीचर यूज करेंगे तो रूम और ज्यादा छोटा लगने लगेगा, इसलिए यहाँ पे लार्ज फर्नीचर को यूज नहीं करना है, स्मॉल फर्नीचर यूज होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यूज ऑफ बेंजोइक एसिड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम, जो बेंजोइक एसिड है वो कौन से एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो वो होता है डीकार्बोक्सिलेज। तो जो बेंजोइक एसिड है ये डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। बाकी अगर हम पेक्टिनेज की बात करें तो सोडियम बेंजोएट जो है वो सोडियम बेंजोएट ये पेक्टिनेज की एक्टिविटी को हिंडर करेगा। उसके बाद फेनोलिक एसिड है ये लाइपेज की एक्टिविटी को हिंडर करेगा। तो अगर जब हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड की, यूज ऑफ बेंजोइक एसिड, तो डिकार्बोक्सिलेज की जो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को हिंडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ SA2 प्रिजर्वेटिव्स एज पार्ट पर पीपीएम टू बी यूज फॉर फ्रूट जूस कंसेंट्रेशन एज पर FSSAI रेगुलेशन 2011 इज।
जो FSSAI का रेगुलेशन जो 2011 में आया था, इसके अकॉर्डिंग SO2 गैस का कितना लिमिट यूज आप कर सकते हो किसी भी फ्रूट जूस के कंसंट्रेशन को बनाने के लिए, उसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 70 70 ppm आप यूज कर सकते हैं जूस के कंसंट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। तो लेटरल बैरियर जो है कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है, बाकी फिजिकल बैरियर है, कल्चरल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, ये तीनों बैरियर हैं, लेटरल बैरियर इसका कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। नेक्स्ट है 27, सूडान डाई इज मेनली यूज एज एन एडल्ट्रेंट इन, जो सूडान डाई है इसको एडल्ट्रेंट की तरह यूज किया जाता है किसमें, जितने भी ब्राइट रेड कलर की स्पाइसेस हैं, जितनी भी ब्राइट रेड कलर स्पाइसेस हैं इनमें ये सूडान डाई यूज की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पेपरिका। कॉफी में क्या एडल्ट्रेंट यूज किया जाता है ये आपको बताना है। अभी क्वेश्चन हो गए आपके पास दो, एक तो ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या है इसका एग्जाम्पल देना है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, दूसरा कॉफी में कौन सा एडल्ट्रेंट होता है ये आपको बताना है। तो आपके पास दो क्वेश्चन हो गए, ऑयल इन वाटर इमल्शन का एग्जाम्पल क्या है, दूसरा कॉफी में कौन सा एडल्ट्रेंट पाया जाता है, दोनों आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। नेक्स्ट है हाउ डिफरेंट आर द लर्निंग थ्योरीज फ्रॉम द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो लर्निंग थ्योरी है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से कैसे डिफरेंट है। तो जो कॉग्निटिव थ्योरी है, पहले हम देखते हैं लर्निंग थ्योरी डिफरेंट क्यों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो जब इसकी आपकी आंसर किया जाती है तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। दे आर फोकस ऑन द वे इंडिविजुअल लर्न न्यू बिहेवियर मेक लर्निंग थ्योरी इज डिफरेंट, मीन्स जो इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल जो नए बिहेवियर या नई चीजें सीखता है उसको हम करते हैं लर्निंग। और कॉग्निटिव में क्या होता है, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस ही है और ये न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू फैक्ट को ऑर्गेनाइज करता है, मीन्स हम ये इसमें मेंटल एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को ऑर्गेनाइज करना फिर उनको समझना, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें बी ऑप्शन सही है, बाकी आंसर क्या आती है तो एक बार आप इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29, सन इज अ 7-year-old बॉय विद स्पेशल नीड, ही इज एन इम्पल्सिव चाइल्ड हु हैज सम प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन एंड इमोशनल बिहेवियर, आइडेंटिफाई द डिजीज ऑफ द बॉय, कोई बॉय है जो कि इम्पल्सिव है, उसको कम्युनिकेशन और इमोशनल बिहेवियर में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है या प्रॉब्लम है, तो ये कौन सी डिजीज होगी, तो ये हो जाएगी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया, डिमेंशिया इसके लॉस ऑफ मेमोरी की जो चीजें याद नहीं रहती हैं। सेरेब्रल पॉलिसी क्या होता है, सेरेब्रल पॉलिसी मीन्स ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो डिसऑर्डर है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कम्युनिकेशन और इमोशनल बिहेवियर होता है और इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स जो मसल्स हैं मसल्स में वीकनेस होना, लॉस ऑफ मसल मास, इसको हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इनमें से कौन सा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होता है। तो होम बिल्स एंड एक्सपेंडिचर ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में नहीं आता है, फैमिली की काउंसलिंग करना, वुमेन के हेल्दी रिप्रोडक्शन के बारे में बताना, उसके बाद वैक्सीनेशन, अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसके बारे में उसको बताना, तो ये सब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में आते हैं, बट होम बिल्स एंड एक्सपेंडिचर ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेजर्स अलाउ अ रिसर्चर टू कंपेयर वन पर्सन स्कोर विद द स्कोर ऑफ लार्ज ग्रुप टू सिमिलर पर्सन, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें केस कंट्रोल स्टडी होगा, बट यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, तो आप इसको एक बार आंसर की से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, मैरिटल सक्सेस डिपेंड चीपली अपॉन द ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन ग्लूकोज इज अब्सॉर्ब बाय द मैकेनिज्म ऑफ, इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज अब्सॉर्ब होता है तो वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू अब्सॉर्ब होता है, तो वो होता है सोडियम को ट्रांसपोर्ट, इसको सोडियम को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये
अगर जब इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है तो उस मैकेनिज्म को कहते हैं सोडियम को ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का एसआई यूनिट क्या है, तो वो है कैंडेला. केल्विन इज टेम्परेचर, एम्पियर जो करंट है, करंट करंट के एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35, अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट इज लिंक्ड टू विच डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्या, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, रिनल फेल्योर, सॉरी लीवर सिरोसिस, लीवर से, और रिनल फेल्योर ये किडनी से रिलेटेड है. बाकी यहाँ पे सैचुरेटेड फैट की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू द स्मोकिंग इफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग मदर. जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो अगर स्मोकिंग करती है तो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट रिलेटेड स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो उससे रिलेटेड नहीं है. तो जो जो वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो है इंक्रीज इन आईजीई कंसेंट्रेशन. तो आईजीई कंसेंट्रेशन जो है ये एलर्जिक एलर्जी की वजह से होता है. जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको अगर कोई एलर्जी है तो वहां से बॉडी हमारी एंटीबॉडीज बनाने लगती है, तब आईजीई का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है. बाकी अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो स्मोकिंग कर रही है तो ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका कंपोजिशन अल्टर हो जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और मिल्क जो फॉर्मेशन है वो जल्दी बंद हो जाएगा. ये सब चीजें हो सकती हैं. बट आईजीई का कंसेंट्रेशन जो ये है ये किसी एलर्जी के थ्रू होता है. अगर मदर को एलर्जी है तो बॉडी जो है ये एंटीबॉडीज बनाने लगती है जिससे आईजीई का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, द एंजाइम नॉट यूज फॉर स्कॉरिंग इज, कौन सा एंजाइम स्कॉरिंग के लिए यूज नहीं होता है, तो वो है सेलुलोज. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग पेक्टिन इंटू पैक्टिक एसिड, कौन सा एंजाइम पैक्टिन को पैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो ये है पैक्टिक मिथाइल एस्टरेज, इसको पीएमई भी बोलते हैं, पैक्टिक मिथाइल एस्टरेज. ये पैक्टिक को कन्वर्ट करता है पैक्टिक एसिड में, मीन्स पैक्टिन को पैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. उसके बाद पैक्टिनेस क्या होता है, ये तो ये पैक्टिनेस का काम है, ये मिक्स्ड एंजाइम है. और प्रोटोपैक्टिनेस क्या है, तो प्रोटोपैक्टिनेस ये है जो प्रोटोपैक्टिन को पैक्टिन में कन्वर्ट करता है. और पैक्टिनेस क्या, ये कई सारे इसमें एंजाइम होते हैं, ये मिक्स्ड एंजाइम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस व्हाट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जब हम किसी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स हैं वो रिलीज होते हैं, तो वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉम द क्रिस्टल सिमेट्री परस्पेक्टिव ऑर्डिनरी आइस बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम, तो वो होता है डाइटेट्रागोनल बाइपिरामिडल. ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केन जैगरी इज अ गुड सोर्स ऑफ, जो केन जैगरी है ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स. क्वेश्चन नंबर 42, सोडियम पर सल्फेट इज यूज फॉर, जो सोडियम पर सल्फेट है उसको क्यों यूज करते हैं, उसको हम ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं. बाकी स्कॉरिंग मर्सराइजेशन एंड डिसाइजिंग ये टेक्सटाइल की प्रोसेस है. स्कॉरिंग में फाइबर को, जो भी हमारा फाइबर है उसमें जो भी एक्स्ट्रा बाहर से जो फॉरेन मटेरियल है उसको क्लीन करना. मर्सराइजेशन ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है, कॉटन पे यूज होती है. डिसाइजिंग मीन्स जो हमारा जो फाइबर है उसमें जो स्टार्च लगा हुआ है स्टार्च को रिमूव करने की प्रोसेस को हम डिसाइजिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43, एक्रिलिक फाइबर इज मेड फ्रॉम द एटलीस्ट 85% बाई द वेट ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल. Which of the following is regenerated protein? इनमें से regenerated protein कौन सी है, तो casein जो है ये regenerated protein है. अब casein से जब हम fiber बनाते हैं तो उसमें casein plus alkali solution with the help of citric acid को use करके जो नया fiber बनाते हैं वो regenerated fiber कहलाएगा. तो यहाँ पे एक question आपके लिए है, regenerated protein fiber कौन सा है. तो question आपके पास कितने हो गए, 3. एक तो ये regenerated protein fiber क्या है, coffee में कौन सा एडल्ट्रेंट यूज होता है, उसके बाद
ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन कौन सा है? ये तीन क्वेश्चन हो गए आपके पास, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक तो रिजेनरेटेड प्रोटीन फाइबर कौन सा है, कॉफी में क्या एडल्ट्रेंट होता है, उसके बाद ऑयल इन वाटर इमल्शन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्वेट रेसिस्टेंट फैब्रिक, इनमें से कौन सा स्वेट रेसिस्टेंट फैब्रिक नहीं है? तो पॉलिएस्टर जो हो जाएगा ये स्वेट रेसिस्टेंट फैब्रिक नहीं है। फाइनेस्ट टेक्सटाइल स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग, ये जो हमारे पास दिए गए हैं कुछ मेजरमेंट्स, इनमें से सबसे ज्यादा फाइन टेक्सटाइल स्ट्रेंथ कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा 40 डिनायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 47, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब हम सॉल्ट को वॉटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल होता है डिक्रीज ऑफ इंथैलेपी। डिक्रीज ऑफ इंथैलेपी, किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में डिजोल्व करना, इसको हम कहते हैं डिक्रीज ऑफ इंथैलेपी। बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज, जो बेकिंग सोडा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो है 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ फूड। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ फूड इज कैरामलाइजेशन ऑफ सुगर, ये नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग फूड है, ब्राउनिंग प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ICDS के अंदर इसमें अंडर में इसमें कौन सा पॉइंट जो है वो नहीं आता है? तो वो क्या है? फैमिली प्लानिंग। ICDS के अंडर में ये फैमिली प्लानिंग नहीं आता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आता है, इम्यूनाइजेशन आता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन आता है, बट फैमिली प्लानिंग जो है ये ICDS के अंडर में नहीं आता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो तीन है, एक तो रिजेनरेटेड प्रोटीन फाइबर कौन सा है, उसके बाद कॉफी में कौन सा एडल्ट्रेंट होता है अगर हम बात करें एडल्ट्रेंट की, उसके बाद ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये दोनों इमल्शन के आप एग्जांपल बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन हो गए आपके पास चार, एक तो रिजेनरेटेड प्रोटीन फाइबर कौन सा है, कॉफी में कौन सा एडल्ट्रेंट होता है, उसके बाद इमल्शन हमने दो टाइप के पढ़े हैं, ऑयल इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर, तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, तो दोनों इमल्शन के एग्जाम्पल, तो दो इमल्शन, इसके बाद प्रोटीन रिजेनरेटेड फाइबर और कॉफी में कौन सा एडल्ट्रेंट होता है। तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो आज अभी हम 50 सॉल्व कर रहे हैं, बाकी 50 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।